नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक एक्सपीरियंस एनिमल पेंट के साथ, जिसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। फाइनली 2-2.5 साल के इंतजार के बाद इस प्लेट के मेकओवर का टाइम आ ही गया। एक्चुअली ये एक डेकोरेटिव प्लेट है, ड्राई फ्रूट्स के साथ गिफ्ट में आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने संभाल के रखी थी। लेकिन इसमें रस्ट लगना शुरू हो गया था, तो मुझे लगा अगर मैं इस पे सेम गोल्डन कलर का पेंट कर दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। YouTube वीडियोस पे तो मैंने देख ही रखा था कि स्प्रे पेंट से आप अगर कुछ भी पेंट करते हो तो वो बहुत अच्छे से पेंट हो जाता है एक ही बार में। तो इसी सोच के साथ मैंने भी गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट लिया और इस पे स्प्रे करना शुरू किया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही उल्टा था, मैं जितना इस पे कलर करूं ये उतना ही और खराब हो जाए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रश से इसको ठीक कर दूं, लेकिन ये तो और खराब हो गया। स्प्रे पेंट और ब्रश से जब मुझसे कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस पे कोई कारीगरी करूं। तो मैंने जो गोल्डन कलर हुआ था उस पे कुछ लीव्स रखे सो दैट कि उस पे कोई पैटर्न बन जाए, और ऊपर से फिर मैंने रेड कलर को स्प्रे किया। लेकिन जो आउटकम आया अगेन वो वैसा नहीं था जैसा मैं या तो YouTube वीडियो पे देखती हूँ या फिर मैंने सोचा था। तो फिर उसके बाद तो मुझे अपनी कारीगरी पे पूरा यकीन हो गया कि कितनी अच्छी पेंटर हूँ मैं। लेकिन अब इस प्लेट को तो ठीक करना ही था, तो मैंने फिर से दोबारा से शुरू किया और इस बार बेस कलर को रेड रखा और लीव्स के पैटर्न को दोबारा अरेंज किया, ऊपर से गोल्डन कलर को स्प्रे किया। इस बार पैटर्न थोड़ा अलग था। ये पैटर्न पहले वाले से थोड़ा बेटर था, लेकिन उतना लुक नहीं आ रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो रफ है, तो मुझे लगा मैं इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ और व्हाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से मैंने सारी लीव्स के बॉर्डर्स को कर दिया। तो अब आप देख ही रहे कि मैं कितनी अच्छी कारीगर हूँ, तो कोई भी लाइन सीधी तो मुझसे बनी नहीं, पर जैसी भी बनी मैंने वैसे कर दी। और यहाँ पे फिर से मैंने एक और खुराफात कर दी, येलो कलर के इनेमल पेंट से कुछ लीव्स को बॉर्डर लाइन करने की गलती कर दी। एक्रिलिक कलर से तो मुझसे सीधी लाइन बन नहीं रही थी और मैंने फिर से इनेमल पेंट को छेड़ दिया और बस मेरा काम फिर से खराब हो गया, और उसको ठीक करने में मुझे फिर से काफी टाइम लग गया।
फाइनली जैसे तैसे करके मैंने उसको ठीक किया और ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें अब रस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इतनी लेयर मैंने इसमें पेंट की कर दी थी। लेकिन वो रिजल्ट भी नहीं आया जो मुझे चाहिए था। उसके बाद तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि भाई जैसा ये बन गया उतना ठीक है, इससे ज्यादा मेहनत मैं अब इस पे नहीं कर सकती। तो वो प्लेट जैसी बनी मैंने उसको वैसे ही रख लिया और अभी अगर आप इसका लुक देखें तो ये इस तरह से आ रहा है। तो इस पेंटिंग से मुझे ये समझ आ गया कि इनेमल पेंट्स मेरे लिए तो नहीं है, ये कारीगरी तो टेढ़ी खीर है, मुझसे तो नहीं होगी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हैं ना और उनका हाथ ब्रश पे बहुत अच्छे से नहीं चलता तो उनको इनेमल पेंट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उनके लिए एक्रिलिक पेंट्स ही ठीक है। मेरा हाथ तो एक्रिलिक पेंट पे भी उतना अच्छा सेट नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, इनेमल पेंट से तो बिल्कुल ही नहीं होता, उनको सूखने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक्सपीरियंस इनेमल पेंट्स के साथ। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।